हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल चस्का चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव। आज हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी बेंगलोर से। तो हम लोग बस पैकेज से जा रहे हैं। मेरा मन था कार से जाने का, बट हम लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था और हम लोगों को जाना भी था क्योंकि मुझे नवी का वहाँ पे मुंडन कराना है, मैं भी अपना कराना चाहता हूँ। तो जो हम लोगों की बस है जो 11 बजे है, केआरपुरम के पास ITI का जो गेट है वहाँ से बस है। और ये पैकेज है जो मैंने लिया वो 2500 पर पर्सन लिया, तो दोनों का मिला के हम लोगों का 5000 हुआ। इसमें उन्होंने स्पेशल दर्शन का टिकट, फूड वगैरह बताया, तो बाकी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। और मेरी जर्नी कैसी रहेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनकी तैयारी चल रही है, हमारी नकचड़ो वाइफ देखिए अभी वह है 10:30 और हम लोग आ गए हैं ITI के जो बस स्टॉप है। ये वेटिंग एरिया है, काफ़ी जगह है यहाँ पे वेट करने की अगर बारिश भी होती है तो। काफ़ी बड़ा स्टॉप है, अच्छा लगा मुझे। अभी बस का वेट कर रहे हैं, थोड़ा डिले हो गया है ITI के। बस थोड़ा डिले हो गया था 20 मिनट्स, 11:20 पे हम लोगों ने चेक इन किया। देखिए बस काफ़ी अच्छी बस है और ऑलमोस्ट सीटें फुल हैं। ये मैंने जो टिकट कराया है वो सिग्मा ट्रेवल्स से कराया है। मेरे को पूरा ऑनलाइन मिला के 2500 पड़ा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करता हूँ। बस की कंडीशन बहुत अच्छी है, ये सेमी स्लीपर है। थोड़ी सी बारिश होने लगी है नाइट में, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हुआ है 3:30 और हम तिरुपति के होटल में चेक इन कर लिया। तो जो बस में हम 11 o'clock चेक इन हुए थे और अभी हुआ है 3 o'clock, ये लोग तिरुपति के होटल में आ गए। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ कैसा है। रूम काफ़ी बड़ा है, ठीक है। उन्होंने अभी फ्रेश अप होने के लिए टाइम दिया है। तो पहले हम लोग जाएंगे पद्मावती टेम्पल, फिर तिरुमाला। तो मैं आपको पहले रूम दिखाता हूँ, देखिए बाकी अपडेट मैं आपको देता हूँ। थैंक यू। ये देखिए, ये यहाँ से एड्रेस का भी एरिया दिया है। रूम ठीक ठाक है, अच्छा है, बड़ा रूम है। यहाँ उन्होंने रूम दिया था टेंपल वैली, ये होटल का नाम है। ये देखिए काफ़ी बड़ा होटल है। ये बस हम लोग अब रेडी हैं पद्मावती टेंपल जाने के लिए। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अंदर क्या मोबाइल अलाउ नहीं था, जो आप देख रहे हैं वो पद्मावती टेंपल है, तो मोबाइल अलाउ नहीं था। तो हम लोग बस में छोड़ के चले गए थे और हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बस पास ही में बस का स्टॉप है तो यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी। पद्मावती टेम्पल का जो दर्शन टिकट है वो हम लोगों को खुद लेना है, वो उस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। अभी हम लोगों की बस चेंज हो जाएगी जब हम तिरुमाला के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये ट्रैवल्स की बस केवल नीचे तक ही जाती है। उसके बाद ये लोग दूसरी बस में शिफ्ट करा देते हैं, बट इन्हीं लोगों का सारा अरेंजमेंट रहता है। हम लोगों को कोई टिकट वगैरह नहीं लेना होता है। अब जब हम लौट के वापस आएंगे तो फिर हमें यहाँ से नीचे से ये वाली बस पिकअप करेगी। दर्शन और लाकर ये लोग अपडेट देते रहते हैं हिंदी और मोबाइल मात्र इंग्लिश में भी ये लोग कमेंट कर रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग दूसरी बस में आ चुके हैं। ये गवर्नमेंट की बस हैं जो ऊपर तक अलाउ हैं, तो इन लोगों ने दूसरी बस में हम लोगों को शिफ्ट कर दिया है। देखिए बेटू भी इंजॉय कर रही है। काफ़ी सुबह के मौसम था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, नाउ ग्रीनरी काफ़ी है और मौसम भी थोड़ा अभी तो कूल है।
पर यहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है तिरुपति में। अभी तो मौसम बहुत प्यारा है क्योंकि अभी अराउंड 6 o'clock हुआ है। और ये जो दर्शन का पैकेज है, अगर आप क्विकली दर्शन करना चाहते हैं बेंगलोर से, तो 24 आवर्स में आप लौट के बेंगलोर भी पहुंच जाएंगे। तो ये पैकेज उस वे में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जो ट्राई कर रहा था कार से आने का, तो मेरे को दर्शन टिकट नहीं मिल रहे थे, वो 2 महीने बाद के ही मिल रहे थे, तो मुझे क्विकली करना था। तो ये पैकेज बहुत ही अच्छा है, आप लोग को कोई ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, पूरा गाइड हमेशा साथ में चलता है, वो आपका सामान लगे सब कुछ, इन लोगों की टेंशन रहती है, ये लोग वेल मेंटेन करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, इसमें फूड वगैरह इंक्लूडेड है। अभी हम ऊपर पहुंचेंगे तो मुझे अभी मुंडन कराना है, मैंने पूछ लिया था तो इन लोगों ने बताया था हम आपको टाइम देंगे पहले, तो उसके बाद ये नाश्ता, फिर दर्शन कराएंगे, और उसके बाद फिर जो लंच होगा उसके बाद हम बैक टू बैंगलोर। तो देखिए मैं आपको और अपडेट देता हूँ ऊपर चल के। थैंक यू। लोगों ने मुंडन करा लिया, पेटू हाई करो वन मोर टाइम। तो काम के लिए आए थे, अच्छे से हो गया है, पेटू एंजॉय कर रहा है। तो हम लोगों का मुंडन हो गया है, मुंडन का यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, पर आपको जो दक्षिणा देना हो वो आप दे सकते हैं। तो हम लोगों ने फ्रेश अप होके अब जा रहे हैं नाश्ता करने। ये देखिए ये जो नाश्ता है, इडली बड़ा, ये नाश्ते में हम लोगों को मिला। हम लोग अभी दर्शन करके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो वापस आ गए हम लोग। करीब 2.5 आवर लगा दर्शन करने के लिए, और हम लोग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्विकली सब कुछ। हम जा रहे हैं बैक टू बेंगलोर। मैं ये पैकेज रिकमेंड करूँगा अगर आप लोगों को बहुत जल्दी में दर्शन करने हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स आपके दर्शन करने के लिए आए, तो इस पैकेज से आप बिल्कुल टेंशन फ्री दर्शन कर सकते हैं। और मैं 8:30 लौट के IT स्टॉप पे पहुंच भी गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।